और ये लगता है अपरिचित ने फाइनली करण जौहर के घर का भी दरवाजा खटखटा दिया है, क्योंकि लगता है करण जौहर नाउ बिलीव्स इन इक्वालिटी। तो फाइनली 22 साल बाद बच्चन जी के बाद अब जया जी बनेंगी असली मिसेज रायचंद। कह दिया ना, बस कह दिया। तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा कि आप सब करण जौहर के पिछले 20 साल के सिनेमैटिक पापों के सिनेमैटिक पश्चाताप को विटनेस करने आज यहाँ पधारे। तो बिना किसी देरी के शुरू कर दें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो R&RKP के शुरू होती है रॉकी रंडावा के वॉइस ओवर से, जिसमें वो अपने पूरे खानदान का पूरा विकिपीडिया बताता है कि उनके पास अंधा पैसा है और वो पैसा बनता है बूंदी के लड्डू बेचने से। तो बेसिकली ये लोग हलवाई हैं लेकिन ब्रांडेड वाले। एंड क्विकली विकिपीडिया का अर्ली लाइफ वाला सेक्शन खुलता है कि कैसे उसकी दादी ने ये सक्सेसफुल बिजनेस का सक्सेसफुल फाउंडेशन खड़ा किया मगर पति की फाउंडेशन इग्नोर कर दी। मतलब दादी वॉन्टेड अ कैपिटलिस्ट मैन पर दादा निकले पोएट्री के फैन। तो कंज्यूमरिज्म का 7+7 कहीं और। बड़ा आदमी पोएटिक हो या डायबिटिक बंदूक तो चला ही लेता है। तो चलाई बंदूक, लगा निशाना एंड बूम, पापा जी इन द हाउस। लेकिन अब कितना ही अच्छा बिजनेस चल जाए, रहेंगे तो हलवाई ना। तो बेटे का नाम रख दिया तिजोरी। नहीं मतलब ये कोई बात होती है क्या? कितना बुली होता होगा बेचारा स्कूल में। फिर लोग कहते हैं कि बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को मारते हैं, घर से भगा देते हैं। तो थोड़ा डार्क हो गया थोड़ा। एनीवे तो दादी अपने बेटे को उसके बाप से हमेशा दूर रखती थी कि कहीं ये शायरी की बीमारी इसे भी ना हो जाए, तो इसलिए बाप को ही रास्ते से साफ कर दिया। तो अब दादाजी की मेमोरी का वही हाल है जो तुम्हारी एक्स का है, आना जाना लगा रहता है। और इसी बात पे फ्लैशबैक खत्म और शुरू रॉकी की एंट्री इन चड्डी। और लाल ऐसा कि म्यूजिक वीडियो में जी भर के स्टार किड्स पेड़ डाले। नहीं मतलब अब तो नेपोटिज्म को कतई एम्ब्रेस किया जा रहा है ना, क्या ही कर लोगे तुम, है ना। ए, बजा रे। अच्छा तो अब देखो, मूवी फैमिली हो या एक्शन, विलन तो होता ही है ना। तो आए तिजोरी और मिसेस रायचंद, जो इन जनरल मस्ती मजाक नाच गाना पसंद ना करने वाले लोग हैं, क्योंकि पापा जी का मानना है कि ऐसी टुच्ची हरकत उनके कंपनी के फ्यूचर सीईओ को शोभा नहीं देती। मगर करंट सीईओ अपने लौंडे को बीच पार्टी में अब्यूज कर सकता है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो रॉकी जो 2 मिनट पहले बड़ा हाथरॉप बन रहा था, वो असल में अपने बाप के आगे फ्लॉप है। मगर यहाँ चल रही है हसीन शाम, सो वी हैव बिगर एंड बेटर प्रॉब्लम कि दादा धर्मेंद्र को दिख गई कोई हसीना। नाम लिया जामिनी और निकल गया इनका पसीना, तो लेके गए ये बैठा हुआ फाउंडेशन ऑन व्हील्स और जाके आंटी की पप्पी चटका ली। तो भाग के आए रॉकी और उसके घर वाले और आंटी से बोले, हे सॉरी आंटी, दादाजी थोड़े से डिक हैं, सिक हैं। तो इनकी सिकनेस के लिए बुलाया डॉक्टर, जिसने समझाया कि भाई बुड्ढा अपनी जवानी में टेलीपोर्ट हो जाता है तो बैठा हुआ फाउंडेशन खड़ा हो जाता है, इसलिए बुड्ढे की याददाश्त वापस लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली अब रॉकी को लाइफ में मिला एक मकसद, सुबह उठने की वजह। तो रॉकी और उसका दोस्त जोरों शोरों से लग गए दादाजी के बैकग्राउंड चेक में, जिसमें मिली दादाजी की डायरी, जिसमें मिली जामिनी की फोटो। तो इन लोगों ने करी गूगल। What? Google सर्च? इतना इजी होता है क्या भाई? बेकार में ही जवानी बिना स्टॉकिंग के निकाल दी मैंने। तो गूगल बताता है कि जवानी और बुढ़ापा किसी के बाप के वक्त के मोहताज नहीं है। तो जामिनी अब बन चुकी है दादी रानी चैटर्जी की। तो here comes the बंगाल की टाइग्रेस। जैसे ये नहीं भाई, ठंड ठंड रखो ठीक है। रानी जिसकी एंट्री पे बजेगा रैप इन बंगाली। जौहर साहब अपने एक्ट्रेस से पहले पूछ तो लिया करो कि वो एक्सेंट कैरी कर पाएंगे या नहीं है? एक काम अच्छा करने निकले और अखे बंगाल को ऑफेंड कर दिया तुमने, क्योंकि रानी और शोमैन जब जब बंगाली बोलेंगे इंडिया का हर बंगाली बोलेगा। खैर हम क्या ही कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन, रानी जी है एक जर्नलिस्ट, तो इसकी एंट्री कलेश से शुरू होती है, जहाँ इसने एक नेता के कूले में उंगली नहीं पूरी मुट्ठी दे दी। फ्रस्ट्रेटिंग पता है क्या है, कि आप जैसे लोग इलेक्ट होके बैठे हैं, कि आप जैसे घटिया मर्द इस देश में खुलेआम घूम रहे। प्रॉब्लम हमारे कपड़ों खाने या फोन में नहीं, आपकी गंदी सोच में है। ओ भाई, ये इतना बोल के अभी तक जिंदा कैसे है?
नहीं, इसको तो आधे में मर जाना चाहिए था और बाकी की पिक्चर का बदलापुर कर देना चाहिए था। मतलब पूरे फिल्म में इस बंदी को एक भी थ्रेट कॉल नहीं आया। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के बाद आया रॉकी और उसका पंटर और इंट्रो विंट्रो के साथ करी थोड़ी फ्लर्टिंग व्लर्टिंग और तभी याद आया कि अपने फाउंडेशन का जुगाड़ नहीं, दादा के फाउंडेशन के जुगाड़ देखना है। तो इसने बताई दादाजी के बैठे फाउंडेशन की दुख भरी कहानी। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तो क्या रानी अपनी दादी को एक ठर की बुड्ढे का शिकार होने देगी? जब तक वो ये सोचे हम रानी का इंट्रो सुनते हैं। तो रानी और उसकी फैमिली एक पुश्तैनी हवेली में रहती है। ऑफ कोर्स करण जौहर की पिक्चर है यार, रॉकी का घर देखा तुमने? ऐसे घर दिल्ली में होते हैं कहीं? नहीं मतलब पूछ रहा हूँ, होते हैं तो कमेंट से बताना, कहाँ खरीद तो हम भी लें, बस एक दो बैंक में डाका डालना बचा है। खैर, तो रानी की फैमिली में उसकी माँ है जो अंग्रेजों की 7+7 है, बाप है जो कथक का 7+7 है, जो कलकत्ता में बहुत फेमस हुआ करता था पर उसे दिल्ली आना पड़ा बिकॉज वो अपनी बीवी के पैसों में पलना चाहता था। किडिंग यार, वो अपनी बीवी को करियर में सपोर्ट करना चाहता था क्योंकि डांसर्स की वैसे ही आधे लोग इज्जत नहीं करते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी अपनी प्यारी दादी जी। नानी, मुझे 100 मुर्गियां चाहिए। हाँ, इनकी बात बाद में करेंगे, पहले लेट मी टेल यू दैट डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन, जहाँ प्यार की केमिस्ट्री की और बाकायदा सेक्स की बातें हो रही है भाई। मतलब इतना भी नहीं होता है, जब बंगाली है फिरंगी नहीं, वो भी सेक्स एजुकेशन की BTS वाली ना। एक बाप अपनी बेटी को सेक्स का रिदम समझा रहा है, बताओ। मैं मानूंगा ही नहीं, इंडिया में ये भी हो रहा है भाई? यहाँ तो सारा आज तक मूव आउट करने की बात करो तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना। मैं नहीं मानता ना, क्योंकि इधर उधर की बातों में निकली दादा धर्मेंद्र की बात, जिसे सुन के दादी ने सोचा 100 साल की भूखी चुड़ैल हूँ मैं, 1 सदी से प्यासी। तो उठ के गई बेचारी अपने कमरे में, निकाली दादा की फोटो फॉर दैट दो पल की खुशी, लेकिन पीछे पीछे आ गई रानी। ऐसे बदतमीज बच्चों को ना नंगा उल्टा करके मारेंगे। सुना? क्योंकि दो पल की खुशी छोड़ के सुनानी पड़ी 2 सदी पुरानी कहानी कि कैसे दादी को शायरी और शायर दोनों का शौक था। तो जवानी में ये मिली अपने लौंडे दादा धर्मेंद्र से, उड़ाए थोड़े गुलछर्रे, लेकिन दोनों मैरिड थे तो कर लिया ब्रेकअप और चल दिए अपने अपने रास्ते। क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिसेस रायचंद के पति को थोड़ा सा मुंह काला कराने के बाद समझ आ ही जाता है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है और बीवी को छोड़ने की हिम्मत वो रखता नहीं। मेरी माँ का पोसड़ा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी भाभी का है साले। अब देखो ऐसा है कि करण जौहर को ना अलग ही कुछ हमदर्दी है चीटिंग करने वालों से, बिकॉज प्रॉब्ली जो इसको पसंद आते हैं वो ऑलरेडी कहीं और लगे हुए होते हैं। आई डोंट नो, मे बी, यू नेवर नो, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। बट सिंस दिस इज अ पश्चाताप मूवी तो एक्सपेक्ट बेटर, क्योंकि रॉकी की है एक बड़ी दीदी जिसके दिल के साथ साथ पूरा बदन भी बड़ा है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई नो थिक थाइज सेव लाइव्स एंड लाइक रणवीर सेड आई एम एन एस मैन, बट उसके बाप और दादी को प्रॉब्लम है ना भाई, तो ये लोग लगे पड़े कैसे भी इसकी शादी कराने में। लेकिन यू नो अभी तक तो बस सोशल मीडिया पे ही बातें चल रही हैं, दुनिया कुछ बदली नहीं है अभी ज्यादा, ठीक है ना, रियलिटी चेक कर लो। तो रिश्ता कैंसिल। तो कट टू रानी का फोन कॉल, बुलाया इसे मिलने और बताया कि उसकी दादी इसके दद्दू से मिलना चाहती है। तो रॉकी बोला, ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी। लेकिन फिर पिक्चर के 5 मिनट कम हो जाते और एक पुराना सुंदर गाना बेचारा बर्बाद होने से बच जाता। सो यू वी आर तो इस मर्डर के बाद फाइनली मिलन की घड़ी आई, रानी घर वालों को लाई और दादी जी बताई 5-6 बार ही मिले थे, 5-6 बार लो। जया जी आपके पल्ले आज तक नहीं पड़ी, अब क्या पड़ेगी? माय हस्बैंड। हाँ हाँ ठीक ठीक है, एक नहीं गया दूसरा क्या जाएगा यार, चिल आंटी चिल। लेकिन इससे पहले कि ये लोग चिल करें, इनके जाने का टाइम हो गया और तब हुआ इनकी लाइफ का सबसे बड़ा खुलासा कि दादा धर्मेंद्र का फाउंडेशन तो आज भी मजबूत है, घोड़ी तो ये आज भी बना दे बट इनके घोड़े को बूंदी के लड्डू नहीं रसगुल्ला पसंद है। तो ये हुए दद्दू खड़े, ये डेडिकेट किया गाना और मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा। हालेलुया।
नहीं मतलब देखो अंडरस्टैंडेबल है यार, ठीक है, बेचारे की मेमोरी है नहीं, हिलडुल भी सकता है नहीं, बीवी को गुड्डू की गन नहीं बस धन चाहिए, तो सोचो 30-40 साल से नीचे कुछ मूवमेंट नहीं होगी तो यही होगा। तो भैया अब कांड तो हो गया है, लेकिन आजकल के बच्चे उंगली करना बंद कहाँ करते हैं, है ना, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो दादा दादी को मिलाने के बहाने अपनी खुद की हवस मिटाने के नाम पे सारे गामा कारवान के एड निपटाने बैठ गए डायरेक्टर साहब। Bro thought we wouldn't notice. I know I look like and sound like a salesman, but I am obsessed. And notice तो बकायदा दादी भी कर रही हैं, और सारी observation करने के बाद दादी जी conclusion देती हैं कि according to Bollywood rule book एक गाना हो चुका है तो मतलब प्यार हो गया है bro. लेकिन ना आजकल के बच्चों को सेटलमेंट मैटर के कॉन्सेप्ट पे भरोसा ही नहीं रहा है, हर चीज चमड़ी मैटर लगती है। कोई नहीं, डिनायल में है लड़की, बट दिक्कत वो नहीं है ना, दिक्कत दूसरी पार्टी है, क्योंकि दूसरी पार्टी तो तुरंत शादी के लिए भी तैयार है। तो आया रानी जी का जन्मदिन और भाई साहब आ गए अंगूठी लेके प्रपोज करने के, तभी रानी बोली मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। भाई किसी की भी फटेगी यार, मतलब मैं जो 2 दिन हुए नहीं मिले हुए, तुमको ब्याह करना है। लेकिन बंदा अगले दिन फिर से पहुंचा और एक्स्ट्रा तैयारी करके, बाकायदा शेरवानी पहन के। तो अब की बार ये बोली अरे बस कर भाई। और बस रॉकी का दिल टूटा और ये बोला 2 दिन से चू की तरह जेब में लेके घूम रहा हूँ, जो सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल इमोशनल कॉन्सेक्सुअल सब चाहिए, ऑल या नथिंग। अबे तो आर यू टेलिंग मी कि इतनी जवानी चढ़ने तक आज तक तूने एक बार भी कोई बंदी नहीं बनाई, और बंदी बनाई भी तो तेरी शादी कैसे नहीं हुई अभी तक? What logic? What stupid logic? मतलब तुम क्या? What the fuck? ऐसे कैसे? But then again, we have bigger problems. ये दोनों तो ठीक भी थे, but दादा दादी पकड़े गए गुलछर्रे उड़ाते हुए। Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. तो आंखें दिखा के गए ये घर, हुआ ड्रामा और दादी बोली मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट, बुड्ढो की उम्र हो चुकी है, हवस नहीं बस नॉस्टैल्जिया मिटानी है इनको, तो फोकस इज ऑन रॉकी एंड रानी। एंड अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड रूल बुक पेज 69, एक गाने से नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएंगे। तो चलो कश्मीर, वहाँ की वादियों में एक गाना और उसमें इमेजिनरी रॉकी और बर्फ पे लेट के ये गर्मी का एहसास, यू नो बेसिक करण जौहर स्टफ, एंड बूम ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। तो रानी निकली दिल्ली की सड़कों पे अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए। क्या शालू गाड़ी चला पाएगी, और अगर चला पाएगी तो क्या रोक पाएगी, देखते हैं धारावाहिक शालू के प्यार के अगले एपिसोड में हम लोग। बस हो गया, नहीं नहीं अब कर लो वुमेन। खैर तो गाड़ी ठोक ठाक के बीच सड़क में यहीं ये औरत अपना बायोडेटा देगी, प्रपोज करेगी, और तो और एक दूसरे को चूसने भी यहीं लग जाएंगे। लेकिन कोई चालान काटने नहीं आएगा, ना ही कोई दिल्ली का चूतिया उठा के गाली देगा। ये ऐसा प्लॉट आर्मर चाहिए बस लाइफ में भाई, और कुछ नहीं चाहिए। दिन के 10 आदमी ठोकूंगा बहनचोद, मैं 2 दिन में पूरे देश की ड्राइविंग ठीक कर दूंगा। बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग करण भाई, आ ही गए ना तुम अपने पे, कर दी ना छोटी बात, दिखा दिया अपना जनरल नॉलेज, क्या कर लिया है? Many of times the scripts can be very disturbing because many of them are really bad. बात तो सही है। तो देखो अब बात है शादी की, और फैमिलीज में फर्क जमीन आसमान का नहीं है, बेड रॉक और एक्सोस्फीयर का है। तो इन्होंने चलाया करण जौहर का दिमाग और डिसाइड किया कि 3 महीने रानी रंडावा परिवार के साथ और रॉकी चटर्जी परिवार के साथ रहेंगे एक ही घर में, बार्टर सिस्टम बैंजोन, मतलब बिल्कुल ही अमीरों के चोचले भाई। ये अगर हम में से कोई बोल देना घर जाके तो एक ही जवाब देंगे घर वाले, सोसाइट। लेकिन दुनियादारी छोड़ के ये दोनों अपना मास्टर प्लान कर लेंगे प्रोसीड। तो आफ्टर मिसेस रायचंद मोड ऑन, इन दोनों की प्रेम कहानी की औकात मैंने ना दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी नहीं। यही घर पे भी यही बोला होगा भाई पक्का। नहीं देखो करण जौहर नो समथिंग दैट वी डोंट, ठीक है ना, ये बात तो तुम याद रखना, बाकी तुम खुद समझदार हो। बट अपने वो क्या है, असली मजा तो चैटर्जी हाउस में ही आएगा, क्योंकि रानी के बाप ने एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दिया रॉकी का कैरेक्टर, झप्पी पाओ बल्ली बल्ली करो, ये सब सारा दिन करता रहेगा। और शुरू यहाँ रॉकी सुधारो आंदोलन। मीनवाइल रानी ने शुरू कर दिया रंडवा परिवार सुधारो आंदोलन, मतलब सारी वोकनेस ये इन्हीं 3 महीने में दिखाएगी। और जब ये आंदोलन से थक जाते हैं तो बीच बीच में मूविंग ऑन, तो बेसिकली रंडावा परिवार है दखियानूसी और चूतिया, एंड चटर्जी परिवार है इनटॉलरेबल एंड इनफीरियर टाइप के सोफिस्टिकेटेड लोगों का, यू नो मीठा मीठा बोल के तीखी तीखी मिर्ची से गांड के साथ हैं। रॉकी तुम अपने कमरे में जाओ, जाके एक्सरसाइज करो। और रानी तो फिर भी रॉकी की माँ को बता रही है कि भैया फेमिनिज्म आ गया है दुनिया में, मगर रानी की माँ तो भाई साहब स्टेप में डालिए
ये है ब्रा। मैं पहनती हूँ, तुम्हारी माँ पहनती है, बहन पहनती है, दादी पहनती है, स्विच अटकने से कोविड नहीं फैलता, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? इंडियन वुमेन सेंचुरीज से अपने घर के आदमी लोग के चड्डीज धो रहे हैं और तुम एक ब्रा टच तक नहीं कर सकता। नहीं मतलब वाह वाह बेटे वाह, मतलब क्या पॉइंट निकाला है भाई। ऐसे झांट लॉजिक लगा लगा के तो मैं भी कल को अम्बानी का घर अपने नाम करवा लूं। नहीं देखो, बात तो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, आई एग्री, लेकिन एक तरीका होता है यार, मतलब सिखाना ही है तो इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं ब्रो। ऐसे भरी दुकान में सरेआम लोगों के सामने ब्रा पहनाओगे तो बंदे को बुरा तो लगेगा ही ना, घंटा कुछ सीखेगा, अगल बगल में लोग भी हंस रहे हैं, फिर उनकी भी मारो है। ये भेदभाव क्यों? ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादरचोद के बच्चे। ठीक है, जौहर साहब पश्चाताप कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन देखो बात ऐसी है कि रानी सब कुछ कर सकती है। रॉकी के दादा दवाई नहीं खा रहे, रानी खिला देगी। रॉकी की माँ गाना नहीं गा रही, रानी गवा देगी। कंपनी डूब रही है बट रानी बचा लेगी। और इतिहास गवाह है कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो दादी गई लड्डू बनाने, पीछे से आई रानी और ये भी लग गई लड्डू बनाने, मगर बिना हाथ धोए। तो दादी ने चढ़िया गुस्सा की लड़की तो अनहाइजीनिक है, तो किया इन्होंने चैलेंज की, तो चाहे तुम एड बनाओ या लड्डू, इस घर से रिश्ते नहीं बनने हैं। एंड सिंस रानी सब कुछ कर ही सकती है तो उसने किया चैलेंज एक्सेप्ट, एंड वंस अगेन बंगाली रैप शुरू। भाई ड्रामे होने अभी बचे हैं, रुक जाओ थम जाओ। तो आज है रॉकी के पंटर का संगीत, जिसमें आए रंडवा एंड चैटर्जी फैमिली टुगेदर, जहां रानी के पिताजी ने किया कथक, लेकिन ये दिल्ली है मेरे यार, समझे? तो ऑडियंस पिताजी को पारो समझ के खूब मजे लेती है, और ऑडियंस में से एक चूतिया रॉकी भी है, और ये पकड़ा गया चूतिया रंगे हाथ। लेकिन गलती तो है भैया, तो लौंडिया हाथ से ना निकल जाए, इसलिए चुपचाप रानी के घर जाके फेंक के मारा एक लंबा सा मोनोलॉग। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया, मैं धोखे से निकल गई, आज मैं मरी जाऊंगा भगवान। एंड बूम, रानी का बाप सेट, झप्पी पाओ बल्ली बल्ली करो। क्या बात है, क्या बात है भाई। भाई मेरा देश तो बदला नहीं, लेकिन ये बंदा कथक सीखने लग गया, ब्रा सुखाने लग गया और बंगाली में गाने भी गाने लग गया। और दूसरी तरफ रानी ने रॉकी की माँ बहन कर दी, माँ बहन की लाइफ चेंज कर दी। माँ गाना चाहती थी तो उसे इंडियन आइडल भेज दिया, और बहन स्मार्ट इन्वेस्टर थी तो उसकी नौकरी लगवा दी अपनी कंपनी में, और दादाजी का तो क्या ही बोले, ऐश ही ऐश है ब्रो। सो अ फ्यू डेज एंड अ लॉट ऑफ टेंशन लेटर, अब की बार रंडावा फैमिली आई है चैटर्जी वालों के एरिया में, और काला जादू शुरू। अरे किडिंग भाई, किडिंग यार, किडिंग फकिंग स्नोफ्लेक्स बैंचो। तो रंडावा परिवार आया पूरा झुंड लेके, तो रॉकी और ससुर जी बन गए पारो और चंद्रमुखी, और मिसेज रायचंद एंड तिजोरी को बना दिया देवदास, एंड नोबडी वांट्स टू बी देवदास ब्रो, मर जाता है वो। तो फुल ऑन नाच गाने के बाद हुआ कलेश, रॉकी ने तिजोरी को रुखाया, तिजोरी ने रॉकी को सुनाया, रानी ने तिजोरी को सुनाया, तो रॉकी ने रानी को सुनाया। ब्रेकअप करके घर आए तो सबने मिलकर रानी का गेम बजाया, बेसिकली बात ज्यादा आगे बढ़ गई बिकॉज रानी ने तिजोरी पे हाथ उठा, नहीं उठाया तो नहीं, मतलब हाथ हटा दिया, बट उठा के मतलब उठाया हटाया, मतलब जो भी है यार, ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। मतलब इनका ब्रेकअप हो गया फैमिली के चक्कर में, और ये सब देख के दादाजी बोले, तो बाप के जाने से बेटे में अकल आई, और तिजोरी ने अपनी बीवी बेटा और बेटी से माफी मांगी, और जल्दी जल्दी चले गए लोग रानी के घर उनसे भी माफी मांगने, और जल्दी जल्दी रॉकी और रानी की शादी भी हो गई। और ये सब देख के कलेशी औरत रह नहीं पाई तो घर छोड़ के चली गई, और रानी को लड्डू का बिजनेस हैंड ओवर कर दिया। मगर जिस दादाजी की वजह से ये प्रेम कहानी संभव हो पाई, उनको मरे हुए एक साल भी नहीं हुआ ब्रो, और ये लोग शादी कर रहे हैं। छी 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 छी, लानत है लानत है। एक सेकेंड, ये लोग मिलवा जो रहे थे दादा दादी को इतना ज्यादा, अगर ये भाग के शादी कर लेते ना बेटा, रॉकी रानी रक्षाबंधन मनाते सुहागरात नहीं। बड़े चूतिये लोग हैं, आग से खेलने का शौक है चूतियों को। बट ठीक है, शादी हुई और पिक्चर खत्म, और इस पश्चाताप का नाम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की जगह कोर बोलो जीत बोरे होना चाहिए था। मतलब फील आता, यू नो लाइक Got that black magic. I got that black magic.